हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई एम प्रोफेसर सलीम मुल्ला फ्रॉम पीजी मोज़े कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वाकुली पुणे। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द डिफ्लेक्शन व्हिच इज जनरेटेड बाय वाई एंड वी हैव सीन अबाउट द थीटा दैट इज द स्लोप। ओके, समटाइम्स इट इज जनरेटेड बाय डी वाई बाय डी एक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट लेक्चर वेरी वेल। सो टुडे we are going to start a new topic, that is the differential equation for deflection. Okay, so let us consider, if I say this is a simply supported beam, okay, which is subjected to vertical load, that is transverse load. After loading, what will happen? It will bend like this. This distance we have considered the deflection, that is the vertical distance between the original axis and elastic curve. Okay, and what is this? This is theta. When we draw the tangent at A or at B, okay, this term is known as theta or dy by dx. That is, what is this? This is slope. Okay, we have already seen the boundary conditions for slope and deflection. Now let us see, let us consider this arc AB. If I draw this AB at here, अगर हमने ए बी को बेंट हुई बार बीम को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, हैविंग लेंथ, अब ये ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यहाँ पे हमने समझा ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ पे क्या किया, डी एस कंसिडर किया, फॉर एग्जांपल डी एस कंसिडर किया, लेंथ ऑफ बेंट आर्क ए बी। ओके, सो सी बी द हियर व्हेन वी डायरेक्टली कनेक्ट दिस ए एंड बी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट सी बी द सेंटर ऑफ आर्क ए बी। Similarly, this will be radius of arc AB, okay, these two terms. So, in this way, we can consider all these things in this differential equation. तो इन सारी चीज़ों को याद रखें, जहाँ भी पॉइंट A और B को हमने कनेक्ट किया आर्क से, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया, जहाँ पे ओमिट होता है वहाँ पे C नाम दिया, और वहाँ पे सेंटर ऑफ आर्क। अब यहाँ पे जो एंगल रेडियो बन जाएगा, वहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, डी शाई। ओके, याद रखें दिस जो भी नोटिफिकेशन दिया है इसको क्या कहते हैं, शाई कहते हैं। गॉट इट? सिमिलरली व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम ए, ओके, इट विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, इफ आई कंसिडर दिस इज द एक्स एक्सिस, देन एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड द हॉरिजॉन्टल बिकम्स शाई। Okay, similarly when we draw the tangent from B, it will meet at a horizontal line x, that is x axis, and the angle becomes ma fa shy plus d shy. Okay, consider these two things. Okay, now ds be the length of arc. Okay, now here you can see here, if I draw, now this is the arc, okay, and if I draw the straight line like this, if I'll draw from B the vertical line, it will meet at a D. So here this is, if I consider the x and y axis like this, then if I consider A be the coordinate length of x and y, so dx and dy be the coordinate length of this arc AB. अब ये dx जो है एंड डी वाई जो है, ये क्या होंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इस आर्क ए बी का, एंड ये क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा आर्क डी वाई का। सो इसको इम्पोर्टेंस है, इसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है 90 डिग्री वाला। सो के, सो हियर एंगल ए डी बी बिकम्स 90 डिग्री। ओके, नाउ हियर डी एस बी वेरी स्मॉल, और यू कैन कंसिडर इट इज एन स्ट्रेट। ओके, सो डी एस बी द स्ट्रेट लाइन, तो एंगल किस तरह से होगा, यहाँ पे इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पे वाला, ये भी अगर हमने स्ट्रेट कंसिडर किया, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है, शाय होता है। ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ए बी और ये डी होगा। सो ओके, सो इन दिस वे दिस इज डी एक्स, दिस इज डी वाई, तो ये पार्ट समझने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है वही पार्ट है। ओके, लेट सबको, सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी है। लेंथ डी एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम ए बी, शाई इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जो टेंजेंट निकली है वहाँ से, शाई प्लस डी शाई बिकम्स द एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम बी
with respect to x-axis, okay, that is the horizontal, r be the radius of bent arc where we seen, then c be the center of arc, ye yahan pe hai. Similarly, from the geometry of figure, अब जियोमेट्री ऑफ फिगर यहाँ पे एंगल ए सी बी बिकम्स डी शाय, ओके, एंड आर बी द रेडियस ऑफ आर्क, तो यहाँ पे ये लेंथ ऑफ आर्क जो होती है डी एस बिकम्स क्या होती है आर इंटू डी शाय, ओके. इट इज़ द जियोमेट्रिक फॉर्मूला, व्हेन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क वी विल यूज दिस टर्म्स आर इंटू डी शाय, ओके. तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो गई यहाँ पे आर इंटू डी शाय, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डी एस एंड डी एस बिकम्स आर इंटू डी शाय. सो अब इस टर्म को यहाँ पे क्या किया डी एस इज इक्वल टू क्या है आर प्लस आर इंटू डी शाय है, तो ये आर यहाँ पे आएगा वन अपॉन आर और ये डी एस यहाँ पे जाएगा तो डी शाय अपॉन डी एस होगा. तो ये यहाँ टू टर्म इक्वेशन नंबर वन उसको कंसिडर करेंगे. नाउ कंसिडर डी एक्स एंड डी वाई बी द कोऑर्डिनेट लेंथ एज वी ऑलरेडी शोन हियर. डी एक्स एंड डी वाई दीज आर द कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ आर्क ए बी और सो कंसिडर, ओके, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, विच ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी, वी नो दिस इज शाय, ओके, दिस इज 90 डिग्री. So, ds is very small and considered to be straight. ds जो value है वह क्या है very small है और उसको हम क्या करना है consider क्या करना है straight करना है. ये dx है और ये क्या है dy है. So, angle bad that is bad becomes shy. Okay, ये इसको मत consider करो यहाँ पर shy लिखा हुआ है. Okay, so by using the trigonometrical formulae, we can calculate the tan shy. You can observe this figure. Okay, so tan shy becomes, what is tan shy, BD upon AD, that is the opposite side upon adjacent side, so BD upon AD, that is dy by dx, okay, so value of tan shy becomes dy by dx, okay, mark this equation number 2 here. Cos shy is equal to opposite, that is the adjacent side divided by hypotenuse, okay, so here we can see cos shy is equal to AD upon AB, that is the DX upon DS, DX upon DS, got it? Similarly, if I consider sec shy, now sec shy, the formula for sec theta is equal to 1 upon cos theta, so you can put the values here as sec shy is equal to upon cos shy is equal to 1 upon DX by DS, then sec shy is equal to DS upon DX, okay? So are you getting how to do this tan cos and sec shy, okay? So now differentiate equation number 2. Now it is very important thing, this is the equation number 2, and differentiate this equation number 2 with respect to dx, then we get d by dx tan shy is equal to d by dx dy by dx, okay? So when we calculate these terms, now for tan it becomes sec square shy, and for shy it becomes d shy by dx is equal to here dy by dx, that is the d square y by dx square, okay? So rearrange these terms like this, okay? Now in this case multiply and divide by ds to the left side of equation, to yahan pe ye left side mein jo part hai usi ko kya karna hai ds ko divide bhi karna hai aur multiply karna hai kyunki value kuch change nahi honi chahiye, theek hai? ओके, सो बाय अरेंजिंग द टर्म, तो यहाँ पे क्या होगा डी शाई बाय डी एस और डी एस बाय डी शाई किया हमने, ओके, तो ये टर्म राइट साइड सेम ही रहेगी, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 पे क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक शाई, ये वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे सेक शाई इज इक्वल टू डी एस बाय डी एक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे हम डी एस बाय डी एक्स की जगह सेक शाई लिखेंगे, ओके, सो then we put the value of sec shy is equal to ds by dx, the above equation becomes sec square shy d shy by ds, sec shy is equal to d square by dx square, okay? So multiply these two terms,
sec cube psi d psi by dx is equal to d square y by dx square. Okay, now we know the from equation number 1, as we already know, 1 upon r is equal to d psi by ds. ये value 1 upon r की है, तो यहाँ पे जो term आएगी 1 upon r हो जाएगी. So sec cube psi is equal to 1 upon r is equal to d square y by dx square. Okay, so here this term will be get into this side, okay, divided side. So the value, the formula becomes 1 upon r is equal to d square y by dx square divided by sec cube psi. ओके okay, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना है, रीअरेंज करना है टर्म को. इसी टर्म को सेक्स क्यूब शाय को किस तरह से हम कर सकते हैं, सेक्स स्क्वेयर शाय रेस्ट टू 3/2, मतलब 2 × 3/2 करने के बाद क्या यहाँ पे रहता है, 2 गया तो यहाँ पे क्या होता है, सेक मतलब क्यूब ही रहता है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस चीज़ को बस इस क्यूब को क्या किया, कन्वर्ट किया स्क्वेयर में. ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएगी. ओके okay, सो इसको हमने रीअरेंज किया, सेक्स स्क्वेयर शाई इज इक्वल टू 3/2. ओके, बट सेक्स स्क्वेयर शाई इज इक्वल टू 1 + tan θ. वी नो 1 + tan θ, सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस लाइक इन हियर, दैट इज 1 + tan² शाई 3/2. ओके, सो बट टैन शाई, वी नो टैन शाई, व्हाट इज द टैन शाई, टैन शाई मीन्स व्हाट, टैन शाई इज इक्वल टू व्हाट, tan psi is equal to what we already calculate, that is tan psi is equal to what, dy by dx. Okay, so put the value of tan psi here, that is dy by dx square whole 3/2. But it is very important term, but in practice the slope dy by dx at any point in a beam is very small. कहीं पे भी हमने beam के ऊपर अगर slope consider किया तो वो बहुत छोटा होता है और उसका square भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा. So that's why dy by dx square is negligible. dy by dx is equal to क्या होगा, इतना बड़ा नहीं होगा तो negligible होगा. So above equation becomes, तो यहाँ पे हम 0 put करेंगे, तो 0 put करने के बाद ये वाला formula इस तरह से कुछ दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पन 1 टर्म की होती है, तो 1 raised to 3/2 becomes 1, then it becomes 1 upon r is equal to d square y by dx square. So equation number 4, then if I consider m is the bending moment which has produced the radius of curvature, okay, r, then using the bending formula m upon I is equal to e upon r, rearrange this term, 1 upon r is equal to m upon e I. Okay, so put this value e m upon i here. Okay, so equation 4 becomes m upon e I is equal to d square y by dx square. Okay, so m is equal to e I d square y by dx square. So this is the differential equation for deflection, that is the m is equal to e I d square y by dx square. याद रखे, तो यही formula जो है, इसी को m, जब भी bending moment हम ले लेंगे, next वाले जो भी equations आएंगे, तो यहाँ पे m की value हमें क्या put up करना है, e I d square y by dx square. अब ये जब तक आपका slope and deflection प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है या चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, तो इसको याद रखे, m की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल सच टर्म्स वेरी वेल. ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद.